الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته पारा पहला अलिफ लाम मीम सूरह दूसरी अल बकरा आयत नंबर 43। पिछले चंद ऑडियोज में मैंने जमात के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज की हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ने के फजाइल और तर्क जमात पर वईदें कुछ अर्ज किया मैंने, और भी बहुत कुछ किताबों में है। अब यहाँ इस वक्त में जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, एक बहुत ही अहम मसला है ये, और समझ लीजिए कि आज के इस दौर में बहुत ही ज्यादा सुलगती हुई बात है ये। जमात के ताल्लुक से इतना कुछ अर्ज किया, हो सकता नहीं बल्कि ये हकीकत ये होता ही है। शैतान वसवसे इस तरीके से डालता है कि आप देखो जमात के इतने फजाइल हैं, जमात छोड़ने पर इतने गुनाह हैं, इतनी वाइदे हैं, तो हमें जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए चाहे कोई भी इमाम हो। ये नहीं देखना चाहिए कि मस्जिद किसकी है, इमाम कौन है, बस जमात के साथ नमाज पढ़नी है। बड़ा अजीब मामला है। फिर ये नहीं देखते कि वो अहले सुन्नत की मस्जिद अहले सुन्नत इमाम है या देवबंदी इमाम है या अहले हदीस है, जो अपने आप को कहते हैं, मैं तो अहले हदीस ही कहता हूं उनको, गैर मुकल्लिदीन यानी बद मजहबों के पीछे भी नमाज है पढ़ लेते हैं। कहते हैं भाई हम तो सबके पीछे पढ़ते हैं, सब मुसलमान है, उनका अमल उनके साथ, उनका ईमान उनके साथ, हम तो अपना जानते हैं, उनकी कब्र में हम नहीं जाने वाले, हमारी कब्र में वो नहीं आने वाले। इस तरीके की बातें, गुमराह कुन बातें करते हैं जो यकीनन शैतानी वसवसे हैं। तो इस ऑडियो में कुछ बातें करूंगा जो काफी तवील भी होगा ये ऑडियो, क्योंकि ये अर्ज करना बहुत जरूरी है। मैंने इतना कुछ पीछे जमात के तालुक से अर्ज किया है, तो ऐसा ना हो कि हमारे भाई जो मुझे सुन रहे हैं वो ऐसा ना हो कि वो इस वसवसे का शिकार हो जाए और किसी के पीछे भी नमाज पढ़ना शुरू कर दें। ये सही नहीं है। कोई भी बद मजहब गुमराह फिरका कोई भी हो, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, ये नहीं, कोई भी जिसकी गुमराही हद कुफ्र तक पहुंच गई, इसको समझ लीजिए, जिसकी बदअकीदगी, जिसकी गुमराही, जिसके अकीदे कुफरिया हो चुके हैं, जो इस्लाम की लिमिट से इस्लाम की बॉर्डर से निकल गया हो, खारिज हो गया हो, अब उसके पीछे नमाज नहीं होगी कोई भी हो, चाहे वो अपने आप को सुन्नी भी क्यों ना कहे। जैसे आजकल मौजूद हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं और सहाबा को गालियां दे रहे, मौलाई कहते हैं अपने आप को, सुन्नी हम सुन्नी है, मौलाई है, सहाबा को गालियां दे रहे, माज़ल्लाह रब्बिल अल्लाह मेरा माविया रबी अल्लाह तआला ने किशान में गुस्ताखियां खुलकर कर रहे हैं। अब ये इनकी गुमराहियां हैं, अपने आप को सुन नहीं कर रहे, पर ऐसों के पीछे हमारा दिल गवारा नहीं करे कि हम नमाज पढ़े, हमारे कोई बाप को गाली दें उसके साथ में खड़े नहीं होंगे। तो ये तो जिनके कदमों की धूल पर हमारे माँ बाप कुर्बान, उन सहाबा को हजरत अमीर माविया रबी अल्लाह तु और ये दूसरे साहबा है उनको तबारा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जो हजरत अली के खिलाफ में रहे, यानी खता इजतहादी के तौर से जो जंगे हुई जो कुछ हुआ, अब वो एक बड़ा मसाला है, दूसरा मसाला है। पर यानी तो हम उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं, जमात के साथ हम उनका हमारे दिलों का आरा नहीं कर रहे नमाज पढ़ने को। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा मैं अभी इस बात को एक क्लियर कर रहा हूँ बार बार, कि जिसकी गुमराही हद कुफर तक पहुंच गई है, जिसके अकीदे खराब हो चुके हैं, उसके पीछे तो बिल्कुल जायज ही नहीं। कुछ ऐसे गुमराह के जिनके पीछे अगर पढ़ ली तो यादा करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, मकरूह तहरीमी है। और ऐसों को अगर जिनकी गुमराही जो है हद कुफर तक पहुंच गई, उसे आपने अगर समझ लीजिए कि नहीं नहीं भाई हम नहीं मानते, वो उनका ईमान उनके साथ, हमारे ये सब बातें अगर हुई, सब मुसलमान है, सब एक है, एक बन के रहो, ये सब बातें, तो भैया फिर तो अगर आपको अकायद के बारे में पता है और आपको पता है कि वो जान बूझ कर सब कुछ जानते बूझते
उन अकायद पर कायम रहते हुए और वैसे अकीदे वालों को अपना इमाम अपना बड़ा आलिम मानते हुए अगर नमाज पढ़ा रहा है वैसा इमाम है तो आपके ऊपर भी हुक्म आ सकता है। मन शक्का फी कुफर ही व अज़ाब ही फकद कफर, जो उसके कुफर में या अज़ाब में शक करे तो खुद काफिर है। तो ये सोचने की बात है, बहुत समझने की बात है। अब ये इतना सख्त हुक्म जो है कि भाई किसी भी बद मजहब के पीछे जिसकी गुमराही जिसका जिसकी बद अकीदगी हद कुफर तक पहुंच गई है उसके पीछे नमाज नहीं होती, ये कहां से उठा के ले आए आप लोग, ये कहां से ले आए? तो इसके ऊपर आयात भी मौजूद है, अहादीस भी मौजूद है। अगर मैं सारी तफसीलें लेकर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, काफी तवील, इतने तवील तवालत में जाने की मुझे हाजत यहाँ इसलिए नहीं कि नेट पर बहुत कुछ मौजूद है, हमारे अहले सुन्नत उलमा के बयानात मौजूद है काफी, बहुत दलाइल के साथ सब कुछ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह के, जिसमें साबित किया गया है कि बद मजहब के साथ मेल जोल तक भी नहीं रखना है, नमाज उनके पीछे नहीं पढ़नी है। मैं चंद एक बातें अर्ज करूंगा, ज्यादा तवालत में नहीं जाएंगे। पहले सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये रहमत आलम है, रहमतुल लिल आलमीन आपका लक़ब मुबारक है और आपकी रहमत का सदका है कि हम जैसे गुनाहगार अब तक आपके सदके में अल्लाह की रहमत में मौजूद हैं, अजाब से बचे हुए हैं। रहमत आलम होने के बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बद मजहबों बद अकीदों पर किस कदर सख्ती फरमा रहे हैं ये सोचने की बात है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ अहादीस ही नहीं बल्कि कुरान पाक में भी मौजूद है। अगर थोड़ी बहुत भी दीनी मालूमत हो और सीरत के बारे में मालूमत हो तो एक वाकया सीरत में मिलता है मस्जिद विरार का। कुरान पाक में बाकायदा आयत मौजूद है, आयात है इसके ताल्लुक से कि जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ल ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म फरमाया था। आयत नंबर 107 और 108 सूरह तौबा की आयत है, दो आयत हैं। वल्लज़ीन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन इत्तख़ज़ु मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीना بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم یہ جملہ جو ہے سبحان اللہ کیا اللہ تعالی کا غیظ و غضب اور کیا پیارا ارشاد اپنے پیارے نبی رحمت عالم کو ارشاد پاک لا تقم فيه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا تقوم فيه أبدا। इसके बारे में कुछ मुख्तसर सा अर्ज करूंगा। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, जो नसारा थे यहूदी थे जो उनके बड़े सरदार थे जिनकी बड़ी इज्जतें थी, उनमें से कुछ लोग हुजूर के आने से जलने लगे, बहुत से लोग, फिर ये हुआ कि नाम के मुसलमान बन गए, मुनाफिक बन गए, अंदर से इस्लाम के खिलाफ बातें करते सोचते थे और करते भी थे और फिर ऊपर से इस्लाम जाहिर करते थे। उन्हीं लोगों ने जब देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है, कोई हमें पूछता ही नहीं, बहुत कुछ काफी तफसील है, फिर ये मिले करे और इन्होंने एक मस्जिद बनाई। मकसद क्या था कि इस मस्जिद में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्लानिंग करेंगे,
बातें करेंगे, मुसलमानों को यहाँ बुलाएंगे, मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करेंगे, मस्जिद बनाई। इसी का जिक्र इस आयत में मौजूद है जो आपने सुना, लगन तखद मस्जिद ज़िरार, जो मस्जिद बनाई गई, मस्जिद ज़िरार के नाम से ही मशहूर है ये मस्जिद बनाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत तफसील है इसमें, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। हुज़ूर की बारगाह में अर्ज कर के रसूलल्लाह आप आइए हमारी मस्जिद में नमाज पढ़िए ताकि हमें बरकत भी हासिल हो, हमने मस्जिद बनाई है कमजोरों के लिए, बूढ़ों के लिए, आए आप नमाज, आप भी आइए। वही मुनाफिक जो आज भी होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, इरशाद फरमाया आने के बाद ये मैं मस्जिद में इंशाअल्लाह जैसा हुक्म होगा करूँगा। जब तशरीफ लाए तो ये आयत पाक नाज़िल हुई। अब आप देखिए क्या हुक्म है अल्लाह अज़्ज़ोजल, क्या इरशाद अल्लाह अज़्ज़ोजल इरशाद फरमा रहा है, ला तकुम फीही अबदा। इरशाद पाक है ला तकुम फीही अबदा, आप उस मस्जिद में कभी भी खड़े मत होइएगा, अबदा हमेशा के लिए कभी नहीं, यानी वहां नमाज पढ़ने जाना ही नहीं, आपको तशरीफ ही नहीं ले जाना उस मस्जिद में, आपको कदम ही नहीं रखना है। ला तकुम फीही अबदा, कभी उस मस्जिद में कदम नहीं रखना आपको। ये कौन, ये खुद अरहमुर राहिमीन का इरशाद है, कुरान पाक की आयत है ये, एक उस मस्जिद में मस्जिद फरमाया जा रहा है। मस्जिद के बारे में, ये मस्जिद नुकसान वाली मस्जिद, मस्जिद दीवार के जिसमें मुसलमानों पूरी तफसील है, मुसलमानों के खिलाफ बातें होनी है, काफिरों का साथ देना, इसी वो मस्जिद बनाई गई है। तो ऐ मेरे प्यारे महबूब, ऐ रहमत आलम, आप उस मस्जिद में कभी कदम भी मत रखिएगा। फिर मस्जिद कुबा की तारीफ अगली आयत में। अब हुआ कि जब ये आयत पाक नाज़िल हुई, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इरशाद फरमाया, भेजा बाकायदा कि जाओ और मस्जिद को खत्म कर दो, तोड़ दो, हदम कर दो, बाकायदा तफसील के साथ जिक्र है। ये तमाम तफासिर में मौजूद है, ऐसा नहीं कि कोई अहले सुन्नत की किताबों में, देवबंदी वहाबी इब्ने कसीर वगैरह सबके इसमें है, ये जितने बड़े बड़े सबने लिखा है, इब्ने अबी हातिम की तफासिर वगैरह सब में, सबके पास ही मौजूद है। फरमाया कि जाकर इसे तोड़ दो। सहाबा गए, बाकायदा सहाबा के नाम उनकी लिस्ट मौजूद है, कौन कौन गया था। सहाबा ने जो लोग उसमें मौजूद थे सबको निकाल, मस्जिद को, मस्जिद पर सहाबा ने तोड़ा उसको, और न सिर्फ तोड़ा बल्कि जला दिया। सहाबा ने मस्जिद को जला दिया। आज के वहाबी होते तो अरे क्या कर रहे हैं मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान मस्जिद को तोड़ रहे हैं। ये क्या है, ये कुरान है, ये हदीस है, ये सीरत पाक है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम होने के बावजूद इतना सख्त हुक्म फरमा रहे हैं, सहाबा उस पर बिला चूं और चेरा अमल कर रहे हैं। मस्जिद को तोड़ दिया, मस्जिद को शहीद कर दिया, शहीद यहाँ लफ्ज नहीं कहेंगे, बद मजहब की बनाई थी, बिल्कुल तोड़कर उसे जला दिया। अब मुझे ये बताइए कि वो भी तो कलमा पढ़ रहे थे, वो भी तो नमाजें पढ़ रहे थे, वो भी तो दीन की बातें कर रहे थे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मस्जिद में कदम नहीं रखा सरकार, बल्कि मस्जिद को बिल्कुल खत्म करवा दिया, जलवा दिया। सहाबा ने किया, अमल भी किया। तो यहां से ये बात साबित हो गई कि जो मस्जिद जहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुजू होती हो, सरकार की गुस्ताखियां होती हो, सरकार के खिलाफ बातें होती हो, वो मस्जिद के हुक्म में है ही नहीं, ये कुरान से साबित है। अगर मस्जिद होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ोजल खुद ये हुक्म नहीं फरमाता कि उसे उसमें कभी कदम नहीं रखना, फरमा दिया वो मस्जिद ही नहीं है, नुकसान वाली चीज है, मस्जिद विरार है। अब आप कहेंगे कि भाई उनको तो वही आ गई है, आपको कैसे मालूम पड़ गया। तो ये भी बातें मैं इंशाल्लाह अर्ज करूँ, यहाँ पर बस ये अर्ज करना था कि ये सख्ती का हुक्म कुरान पाक से साबित है। इस कदर सख्ती है तो फिर नमाज पढ़ लेना उनके पीछे, बद मजहबों के पीछे, उससे हम जो मना करते हैं तो उस पर आप नहीं कह सकते,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मस्जिद को ही तोड़ दिया, साहबा ने जला दिया। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि बद मजहबों के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये भी मैं हदीस पाक से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये बताने की।